अगर कोई सिर्फ इसलिए आम आदमी पार्टी में आना चाह रहा है कि ये आया है इस महत्वाकांक्षा से कि वो आएगा और विधायक बन जाएगा, आते ही उसको टिकट हो जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग निराश होंगे। जब हम किसी को विधायक की नौकरी दे रहे हैं ना अपने यहाँ पे, ये हम नौकरी देते हैं किसी को, मतलब आप भी बनेंगे तो विधायक की नौकरी करेंगे? मैं विधायक की नौकरी करूँ। अगर आम आदमी पार्टी के लोग विधायक बनने के लिए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नौकरी करने नहीं आ रहे, हम सेवा करने आ रहे हैं, सेवक के रूप में, तो सैलरी नहीं लेंगे आप? आपके अरविंद केजरीवाल जी सैलरी नहीं ले रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी सैलरी नहीं ले रहे होंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों लेंगे? अगर आपने 5 साल नौकरी की है तो पैसा 5 साल का मिलेगा या 60 साल का मिलेगा, आप ये बताओ। ये सवाल सत्ता में बैठे लोगों से पूछो। जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो रहे तो सही, आप टिकट देंगे जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप टिकट देंगे उनको, तो पुराने कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? लास्ट में एक ही सवाल, रुड़की विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? ये पार्टी को तय करना है। आपको टिकट नहीं मिल रहा, मतलब ये पार्टी को तय करना है। पार्टी टिकट मतलब आपको देगी नहीं, ये पार्टी को तय करना है। पत्रकारों की ये खासियत होती है कि वो ऐसे सवालों में आपको उलझाते हैं जो काल्पनिक होते हैं, और काल्पनिक सवालों का जवाब देना तो ये निराधार सवाल है। आपके जब मुख्यमंत्री आते हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आते हैं, कहते हैं हम 70 के 70 विधानसभाएं जीतने वाले हैं, ये काल्पनिक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काल्पनिक नहीं है सर। आप 70 छोड़िए, 60 जीत के दिखा दीजिए। अगर पार्टी आदेश करती है और पार्टी उचित समझेगी कि शारिक अफरोज को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं एक राजनीतिक सिपाही हूँ पार्टी का, और हर राजनीतिक सिपाही का ये धर्म है कि वो चुनाव में जाए